बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जवानों और खमारानों, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। नौजवानों, पहले पार्ट में हमने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा था, पूरी डिटेल के साथ समझा था, उन प्लॉटिंग्स को हमने समझा था, ग्राफ्स को हमने समझा था, और वो तमाम रिजल्ट्स यहाँ पर मैंने फिर से आपके सामने लिख रखे हैं, बिकॉज अब हम इन तमाम रिजल्ट्स को पेपर पे जस्टिफाई करेंगे, राइट? कि क्लासिकल फिजिक्स ने कैसे इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, राइट? और फिर इसको एक्चुअली सक्सेसफुली एक्सप्लेन कैसे किया गया। और जब मैं कहता हूँ ना कि सक्सेसफुली एक्सप्लेन कैसे किया गया, तो सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन के लिए जवानों ज़रूरी ये है कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स और जो थ्योरी आ रही है वो आपस में एग्रीमेंट में हो। अगर वो डिसएग्रीमेंट में है तो इसका मतलब या तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स गलत हैं और या तो फिर वो थ्योरी गलत है। अब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को तो आप ये नहीं कह सकते ना कि आप गलत हो भाई, ठीक है जी, इट इज़ व्हाट इट इज़, और आई शुड से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आर व्हाट दे आर, यू जस्ट कांट डिनाई देम, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अब आपको कोई ऐसी जुगाड़ वाली थ्योरी नई ईजाद करनी पड़ेगी, नई दिमाग में थिंकिंग लानी पड़ेगी ताकि आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सको। सो साइंस इसी तरह से चलता आ रहा है कि जी हमारे सामने एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि तमाम उस तमाम रूल्स पे जो कि आज तक आपने बनाए होते हैं उन रूल्स पे एक्सप्लेन नहीं होती, तो फिर हम जी उसके लिए नया जुगाड़ बना देते हैं, एक नया आपके पास जो है रूल्स, हम उसके लिए सेट ऑफ रूल्स जो है डिफरेंट लॉजिक के ऊपर बना देते हैं ताकि उसे एक्सप्लेन कर सके, ठीक है जी। और इसी तरह चलता आ रहा है, ठीक है जी। सो जवानों, मैं जल्दी जल्दी दोहरा देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। तो सिंपल जी, हमने ये मालूम, हमें ये पता चला था कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर मेटल के लिए। अगर आप उस मेटल के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अपनी लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं रखते तो कोई एमिशन नहीं होगी, और अगर जब आप ज़्यादा करते हो तो आपके पास फिर आपके पास या बराबर रखते हो तो आपके पास फोटो एमिशन होगी, यानी कि देयर इज़ अ सर्टन लिमिट, कि उस लिमिट से ज़्यादा आपने फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी है लाइट की तरफ से। अच्छा, और जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे कि frequency of the incident light becomes equal to or greater than the threshold frequency for a particular metal, right? तो फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है वो क्या होगा, वो instantaneous होगा, ठीक है जी, यानी कि instantly, okay। फिर हमने कहा कि intensity का ताल्लुक फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ directly बनता है, और kinetic energy जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की निकलती है उसका ताल्लुक light की frequency के साथ बनता है। Once you establish or satisfy this particular condition that the frequency of the light has to be equal to or greater than the threshold frequency, okay जी, ये हो गया। फिर हमने समझा कि जी stopping potential जो होता है, और I should say stopping voltage जो होता है, दोनों ही कह सकते हो, और I should say stopping potential would be more appropriate। तो stopping potential जो है वो directly relate करता है to the maximum kinetic energy of the photoelectrons। और आखिर में जी हमें ये समझा कि intensity का stopping potential या kinetic energy of the photoelectrons के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता, ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब ये experimental फैक्ट्स कागज पे अब हमने जस्टिफाई करने हैं यूजिंग क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सो देखते हैं कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपको कहता क्या है। सो देखते जाएं जरा गौर से। नाउ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है जी, लाइट इज नथिंग बट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है जी। जिस तरह से आपको नजर आ रहा है कि लाइट जब ट्रेवल करता है तो वो जो एनर्जी कैरी करता है, लाइट वेव्स, बिकॉज क्लासिकली हम लाइट को डील करते हैं एज अ वेव, राइट? कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अ चेंज इन इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस अ चेंज इन प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दोनों फील्ड्स एक दूसरे को प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं और एनर्जी को एक दूसरे की फील्ड्स में जो है ना इस डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मूव करवाते जा रहे हैं और प्रोपेगेट करवाते जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, या आई शुड से क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, राइट, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बिकॉज ये मैक्सवेल ने सारी की सारी एक्सप्लेनेशन की थी कि लाइट जो है वो क्या है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक हुआ जी। और जब लाइट को हम एज अ वेव डील करते हैं ना, तो वेव जो एनर्जी कैरी करता है डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कि मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। सो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द पर्टिकुलर वेव, और आई शुड से इन दिस केस द पर्टिकुलर फील्ड्स, बिकॉज आफ्टर ऑल लाइट इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अगर तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होने का सीधा साधा मतलब यह है कि उस लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के जो वैक्टर्स हैं
उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का सीधा साधा मतलब यह है कि उन वेक्टर्स की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, या मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज हम एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी लेंथ से, द ग्रेटर द लेंथ द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, अब जिस तरह से आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, राइट, मैंने दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो कर रखे हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम अगर आप गौर करो तो आपको सेम नजर आएंगे, लेकिन अगर कोई चीज चेंज है तो वो उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की एम्पलीट्यूड्स चेंज है, यानी उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज है, एक के एम्पलीट्यूड ज्यादा दूसरे का एम्पलीट्यूड कम। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो जब आप एक ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को रखते हो तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया जाएगा विद ज्यादा मैग्नीट्यूड, यानी कि ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया जाएगा तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी ज्यादा, ज्यादा वेलोसिटी मींस ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहते हैं फ्रॉम द मेटल सर्फेस और यही देखना चाहते हैं कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकले, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स हमें इंटेंसिटी बढ़ानी होगी उस लाइट की। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो क्यों, बिकॉज स्क्वायर आप बढ़ा रहे हो, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड आप बढ़ा रहे हो, या एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप बढ़ा रहे हो। जब आप एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो तो आप रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, और जब आप उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन ने तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलना है। तो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक the kinetic energy of the photoelectrons should be directly related to the intensity of the light, लेकिन experimental facts तो कुछ और ही कह रहे थे। experimental facts तो ये कह रहे थे कि intensity का जो ताल्लुक है वो kinetic energy of the photoelectrons के साथ नहीं, बल्कि intensity का ताल्लुक number of photoelectrons से है, या photoelectric current से है। तो यहां पर एक कंट्रडिक्शन आ गई। अब या तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट गलत है और या तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहां पर अप्लाई नहीं होती। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है, बिकॉज याद रखिएगा इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी। आई मीन आप लाइट के वेव नेचर से, लाइट के साथ जुड़ी हुई जितनी भी फिनोमेनाज हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल लाइट की रिफ्लेक्शन हो गई, लाइट की रिफ्रैक्शन हो गई, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, this classical electromagnetic theory explains all of them 100%ly, and this classical electromagnetic theory is in 100% agreement with the experimental facts related with all these things, all these phenomena, yani ki reflection, refraction, diffraction, interference or polarization, right? So it's a very beautiful theory, it works. But when it comes to the photoelectric effect, यानी photo emission of electron, यहाँ पर actually ये contradiction में आ जाता है with the experimental facts. And according to Feynman, no matter how beautiful the theory is, if it doesn't agree or satisfies the experimental facts, it is wrong. ठीक है जी, सो यहां पर फाइनमैन ने कुछ ज्यादा ही सख्त लफ्ज यूज कर दिया है, तो इसको हम रॉन्ग नहीं कहेंगे। जहां तक ये अप्लाई होता है वहां पर हम इसे अप्लाई करेंगे और करते आ रहे हैं और करते हैं, ठीक है जी, लेकिन चूंकि यहां पर ये अप्लाई नहीं होता तो हमें नया जुगाड़ कर देखना होगा, और वो नया जुगाड़ हम समझेंगे इस लेक्चर के एंड में, दैट विल बी द फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है जी, जो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर है, विच इज वेरी वियर्ड बाय द वे, ठीक है जी। सो ये आपके पास सिचुएशन होगी, तो पहली कंट्रडिक्शन आ गई कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इट इज द intensity of the light that should relate with the maximum kinetic energy of the photoelectrons, theek hai ji, but in experimental fact was ki kinetic energy was related to the frequency of the light, okay ji, ye humne samajh liya ji, right? ab aate hain kiske upar ji, ab aate hain light of low frequency of sufficient high intensity when falls on the metal for a sufficient time should be able to produce photoelectric emission. अब ये दूसरा क्लासिकल फिजिक्स क्या कह रहा था, नाउ क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक देयर शुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं है, यानी कि अगर मैं एक मेटल लूं, राइट, इफ दिस इज अ मेटल, ठीक है जी, राइट, और इसके ऊपर चाहे मैं जो भी फ्रीक्वेंसी वाला लाइट फॉल करूं डजंट मैटर, लेकिन अगर उस फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट की जो है इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो, यानी कि अगर मैं यहां पर इसको क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करूं, तो ये आपके पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, और ये उसके पास आपका हुआ क्या, ये आपके पास हुआ जी लाइक दिस,
लेट मी ड्रॉ इट इन 3D ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है जी। तो ये आपके पास हुआ जी उसका लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये उसका मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट जो इस तरह आ रहा है। तो ये आपके पास हुए जी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइक दिस राइट, यहाँ पर ऐसे राइट, और मैग्नेटिक फील्ड लेट से मैं ब्लैक से शो कर लेता हूँ, तो ये आपके पास हुए जी उसके मैग्नेटिक फील्ड्स लाइक दिस, उस साइड पे उस तरफ गया हुआ है। आई होप यू कैन इमेजिन इट इन 3D, सही तस्वीर तो मैं वैसे ही आपको डिस्प्ले कर चुका हूँ। तो जब आप ये लाइट को यहाँ पर इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हो, ये क्लासिकल फिजिक्स की फिलहाल बात कर रहा हूँ ना, तो होना ये चाहिए कि अगर तो इस लाइट की फ्रिक्वेंसी इसकी उस थ्रेशोल्ड उस मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हर एक मेटल के लिए, अगर तो ये लेस भी हो यानी कि अगर इस तरह भी हो, लेकिन अगर मैं इसकी काफी इंटेंसिटी रखूं यानी कि मैं क्या करूं एम्पलीट्यूड्स को क्या करूं ज्यादा रखूं लाइक दिस, ठीक है जी, और फिर मैग्नेटिक फील्ड का भी ज्यादा हो जाएगा, और मैं बहुत देर तक उस लाइट को क्या करूं उसके ऊपर रखूं यानी कि इस मेटल को एक्सपोज रखूं टू द लाइट और बहुत देर के लिए वो लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करे 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 करे, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। दिस इज व्हाट क्लासिकल फिजिक्स वर सेइंग, बिकॉज क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक जो यहां पर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो वो कंटिन्यूसली होती है। तो जब वो कंटिन्यूसली होती है बिकॉज लाइट इज कंटिन्यूस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो जब कंटिन्यूसली वो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि वो निकल आएगा फ्रॉम द एटम्स या फ्रॉम द मेटल सर्फेस, वो उस मेटल की बैरियर को ब्रेक कर देगा। दिस वॉज वॉट क्लासिकल फिजिक्स वॉज सेइंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जब हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस रखवाते थे, तो चाहे हम लाइट को जितना भी इंटेंस रखते, चाहे हम लाइट को जितने भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पर उसके ऊपर क्या करते फॉल करवाते, उधर से कोई फोटो इमिशन नहीं होती थी। तो दिस वॉज अनदर कंट्रेडिक्शन। अच्छा, अब तीसरे के ऊपर आ जाते हैं। तीसरा यह कहता है कि जी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, जिस तरह से मैंने अभी कहा कि लाइट इज कंटिन्यूसली अरेंजमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, यानी कि यहां पर तो बहुत ज्यादा तादाद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे राइट, तो वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एट द सेम टाइम वो तमाम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है पर यूनिट टाइम वो बहुत स्मॉल हो जाएगा ना, यानी कि ये एनर्जी जो आ रही है वो उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स में बट रही है, और बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर, तो वो जब तमाम एनर्जी उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स में बटेगी तो इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन को पर यूनिट टाइम बहुत कम कम एनर्जी मिल रही है, तो यानी कि उस एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए, बिकॉज वो एनर्जी जो हासिल कर रहा है वो बहुत कम कम हासिल कर रहा है, बिकॉज वो तमाम एनर्जी उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन को तो मिल नहीं रही कि वो एकदम से निकल जाए। तो यानी कि सो द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज वेरी स्मॉल, बिकॉज वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सारे इलेक्ट्रॉन्स में, हेंस इट शुड टेक ग्रेटर टाइम, बल्कि इन हार्स यानी कि बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, बिकॉज उसको एनर्जी पर यूनिट टाइम बहुत कम मिल रही है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी फॉर द ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो टू गेट सफिशियंट एनर्जी टू इजेक्ट, यानी कि ज्यादा टाइम लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जब भी हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है वो इंस्टेंटेनियस होता है, इवन लेस देन 10^-9 सेकेंड, राउंड अबाउट इतना टाइम लगता है। सो ये कुछ कंट्रडिक्शंस थी क्लासिकल फिजिक्स की, किसके साथ, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। अब क्या किया जाए, अब हम क्या करेंगे, अब हम उस थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ जो है वो फिट बैठता हो, ठीक है जी। सो लेट अस मूव टुवर्ड द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। सो अब फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट की तरफ आते हैं जी, फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट। शाबाश, ये जल्दी लिख लिया अगर आप लोगों ने लिखना है तो, शाबाश जवानों, ओके आई बिलीव लिख लिया होगा। तो अब मैं मूव करता हूं टुवर्ड द फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट। शाबाश जवानों, फोटॉन्स थ्योरी ऑफ लाइट। अब फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट की तरफ जाने से पहले मुझे थोड़ा सा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बात करनी होगी, जो कि आपके कोर्स से फिलहाल के लिए तो निकल चुका है स्मार्ट सिलेबस में, 2021 वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, उससे पहले उससे बाद वाले जो आ रहे हैं उसने तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो जी देखते जाए जरा, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, फोटॉन्स क्या हो गया भाई,
फोटोन थ्योरी और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भाई, ऑफ लाइट, ठीक है जी। अच्छा जी, ना फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट वॉज गिवन बाय आवर बिलव्ड आइंस्टाइन, जानी गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है जी। और ये उसने 1905 में ही दिया था, दैट वाज टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक, ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड बाय द वे इट वाज दिस थिंग दैट गॉट हिम द नोबेल प्राइज। आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रिजल्ट्स, या रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है जी। तो दैट वाज द थिंग, ठीक है जी। स्पेशल थ्योरी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए आंसर को नहीं मिला, बल्कि इसकी इसके लिए मिला, ठीक है जी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ व्हाट ही डिड वाज के ही टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लैंक एंड ही अप्लाइड इट टू लाइट। लेकिन अब उससे पहले ये तो जानना चाहिए ना कि प्लैंक ने कहा क्या था। अब सादा अल्फाज में प्लैंक ने ये कहा था, व्हाट प्लैंक सेड वाज फ्रॉम द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी कर्व, जो रेडिएशन है वो भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ था, लेकिन वो भी इंशाल्लाह से पढ़ेंगे। फ्रॉम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फ्रॉम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और थर्मल रेडिएशंस, जिसकी कर्व को फिर प्लैंक ने सक्सेसफुल एक्सप्लेन किया यूजिंग क्वांटाइज क्वांटम मैकेनिक्स। व्हाट ही सेड वाज कि जब आपके पास कोई भी मास होता है, राइट, कोई भी मास होता है, तो वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है, राइट, या अगर वो कोई एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है, राइट, तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है तो वो कंटिन्यूसली नहीं करेगा, बल्कि वो इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेट्स करेगा, नॉन कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस आई शुड से, या इन डिस्क्रीट पैकेट्स, यानी कि एनर्जी को अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो भी एक डिस्क्रीट पैकेट्स में करेगा, राइट, या तो 1HF या 2HF या 3HF या 4HF, और अगर वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो भी डिस्क्रीट पैकेट्स में करेगा या क्वांटाइज पैकेट्स में करेगा, जिसे उसने कहा क्वांटा, ठीक है जी। तो द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड विल बी इन द डिस्क्रीटेड फॉर्म, डिस्क्रीटनेस फॉर्म, नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म, और हर एक को उसने कहा क्या, E इज इक्वल टू एच एफ, राइट, दिस इज वन क्वांटा, यानी कि या तो 1HF एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, या तो अगर वो करेगा तो 2HF की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, या अगर वो करेगा तो 3HF की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। और अगर इसको मैं आगे लेकर जाऊं तो आप कह सकते हो कि E इज इक्वल टू NHF, राइट, क्या करेगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में जो है वो क्या करेगा, आपके पास एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जो यहां पर एटम्स के वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस जो है जिस एनर्जी के साथ वो वाइब्रेट करते हैं वो क्वांटाइज्ड है, सादा अल्फाज में अगर मैं इसको कहूं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में। अब आइंस्टाइन ने इस क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हटाया और उसने अप्लाई कर दिया टू लाइट। उसने कहा कि एक्चुअली अगर तो एटम्स किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करते हैं विद द क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जीज, तो अगर वो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब क्वांटाइज्ड फॉर्म में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिसमें उन्होंने इमिट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है या जिसके थ्रू उन्होंने एनर्जी इमिट करनी है तो वो तो लाइट ही है। तो लाइट इटसेल्फ इज एक्चुअली अ बीम ऑफ व्हाट, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। तो लाइट जो है वो continuously electric और magnetic fields नहीं है, बल्कि it is actually small energy packets। और उस एक energy packet को जिसको प्लैंक ने नाम दिया था, किस चीज का, जिसको प्लैंक ने नाम दिया था क्वांटा का, राइट, उसी क्वांटा को लाइट के लिए, फॉर लाइट आइंस्टाइन कॉल इट व्हाट, फोटोन, ठीक है जी। तो आइंस्टाइन क्या कहता है जी, आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो, राइट, लेट अस से दिस इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है जी, राइट, ये उसका फिलामेंट, तो उधर से जो हमें एनर्जी मिलती है, राइट, वो कंटिन्यूसली ऑसिलेटिंग और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स यहां पर हम नहीं कर सकते, बल्कि क्या कहेंगे कि इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस, दिस,
दिस, और उस एक एनर्जी पैकेट को आइंस्टाइन ने कहा क्या क्वांटा यानी कि फोटोन, उस एक एनर्जी पैकेट को उसने कहा क्या फोटोन, यानी कि लाइट जो है वो बीम है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन या एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, इज इस क्लियर? और हर एक एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी है वो आपके पास आता है उसी तरह से इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है जी। अब इधर से वो अपने जो है उसको उठा के ना यहां पर इसको डेवलप करने लगता है, यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को उठाता है, और कैसे करता है जी, तो वो इक्वेशन को डेवलप करता है। ये मिटा दूं बच्चे, शाबाश, आई बिलीव लिख लिया होगा, तो ये मैं मिटा देता हूं, राइट। अब इधर से वो क्या करता है जी, इक्वेशन को डेवलप करता है, और मैं इसके उल्टे तरीके से आ जाता हूं, और उल्टा तरीका क्या है, हमें ये तो पता है ना कि जी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि जी काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सॉरी फॉर दैट, आई शुड राइट इट लाइक दिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट माइनस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो जो ग्राफ आपको याद है, जिस तरह से हमने कहा था कि जब हम क्या करते हैं, जब हम काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट, और लेट अस से इस पॉइंट पे आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का इधर से स्टार्ट होता है ना, राइट। यानी कि जितना मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाऊं तो उतना ही मेरी फ्रीक्वेंसी का उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फर्क बढ़ता चला जाता है, और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में इजाफा आता चला जाता है, राइट। तो ये आपके पास सिचुएशन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें यहां पर एक कांस्टेंट पुट करना है, और वो कांस्टेंट यहां पर हम यूज करेंगे क्या, एच, दैट वाज यूज्ड बाय प्लैंक्स इन हिज थ्योरी, राइट। तो यानी कि क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो कि प्लैंक्स ने मैटर पर लगाया था, आइंस्टाइन ने वही क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया टू लाइट, राइट। सो देखते जाएं, ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हुई, हमें कांस्टेंट लगाना पड़ा। अब इस एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, तो आपके पास आ जाएगा एच एफ ऑफ द लाइट माइनस एच एफ नॉट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पर हम चीजों को डिफाइन करने वाले हैं, देखते जाएं जरा गौर से। HF हमें पता है कि ये क्या बताता है, HF हमें बताता है क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। जब आप H को F से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एनर्जी मिलता है। अब ये किसी फ्रीक्वेंसी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और उसको H के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है मुझे इनकमिंग लाइट की एनर्जी मिल गई ना, तो इस लाइट की, इस एक क्वांटा की मुझे एनर्जी मिल गई जब मैं H को फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है जी। सो ये आपके पास है एनर्जी, राइट, ऑफ द लाइट, और यहां पर मैं लाइट को क्या कहूंगा, फोटोन। फोटोन हैपन्स टू बी द क्वांटम पार्टिकल ऑफ लाइट, ठीक है जी। यानी कि लाइट की जो बेसिक इनडिविजिबल पार्टिकल है वो है फोटोन कहलाता है, बिकॉज आइंस्टाइन ने फिर लाइट के क्वांटा को क्या कहा, फोटोन, ठीक है जी। माइनस, अच्छा, अब अगेन एच मल्टीप्लाई हुआ है फ्रीक्वेंसी के साथ, और एच जब मल्टीप्लाई होता है फ्रीक्वेंसी के साथ तो हमें क्वांटा ही मिलता है, यानी कि एनर्जी हमें मिल रही है, इट इज एनर्जी। लेकिन देखना यह है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से, विच हैपन्स टू बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट द लाइट शुड हैव, दैट द लाइट शुड हैव, अगर तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है तो उसके साथ अगर एच मल्टीप्लाई करके मेरे पास एनर्जी बन रही है, सो फिर दैट पर्टिकुलर एनर्जी शुड बी द मिनिमम अमाउंट of energy that should be possessed by the photon agar to wo us particular electron ko nikalna chahta hai to simple ji yahan par isko hum kahenge kya isko bass box mein e not bhi kaha jata hai bass box mein isko is tarah se represent kiya jata hai work function se to isko hum kehte hain kya work function jisko abhi main define karne laga hu thodi si der baad is clear isko hum kahenge work function which is the minimum amount of energy required to eject the electron out of matter surface or I should say the minimum amount of energy that the photon should possess agar to wo wahan se koi electron ko nikalna chahta hai to theek hua ji to ye aapke paas hua और इस साइड पे क्या है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर मैं इस वर्क फंक्शन को इधर ले आऊं तो इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि इट शुड बी पॉजिटिव और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, उधर क्या रह गया, एनर्जी ऑफ द फोटोन
itself. Is this clear? Right? अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, अब मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ, या चलिए इसको रहने देते हैं, इधर मैं आ जाता हूँ. ये चीज़ आप लोग या भी लिख ली होगी, तो इसको मैं मिटा के ना इधर आ जाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है जी, तो इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि जी एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ अ सिंगल फोटोन क्वांटम पार्टिकल ऑफ द लाइट इज एक्चुअली इक्वल टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस, गौर से देखिएगा, प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Einstein equation of photoelectric effect for which he was awarded a Nobel Prize. Einstein's equation of photoelectric effect. अब ये एक ऐसा equation आया जो कि 100% क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ एग्रीमेंट में आ रहा था, उसे एक्सप्लेन कर पा रहा था कागज पे. कैसे, देखते जाएं जरा गौर से, एक एक करके देता हूं. सबसे पहले इसको देखिए कि इनकमिंग लाइट की खास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी के बराबर या ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो भी एक खास पर्टिकुलर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज उससे कम हुई तो नहीं निकलेगा. कैसे, देखते जाए जरा गौर से. यहां पर अगर मैं इसी इक्वेशन को यहां पर जिधर से उसने स्टार्ट किया इधर से देख लो, यानी कि इसको मैं अगर ये एक्चुअली मैंने इसको उल्टा मैं लेकर आ गया हूं, अगर मैं इसको वापस इस तरह से लेकर जाऊं तो जरा आप इस पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा, जरा इस पॉइंट को जरा आप गौर से देख लो. राइट, अगर तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस हुई तो इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है. तो जब ये वाला ज्यादा है तो इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है बाहर नेगेटिव साइन निकलेगा, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ओज अ होल क्या हो जाएगी, नेगेटिव. काइनेटिक एनर्जी भी कभी नेगेटिव होती है क्या? ठीक है जी, तो दैट इज द थिंग कि यहां पर फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम इस ग्राफ को नीचे की तरफ एक्सटेंड करें ना इस तरह से राइट, तो फिर काइनेटिक एनर्जी तो वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट हुआ है, तो फिर इसको ये वाला जो रीजन है ना, ये वो रीजन है जहां पर एफ ऑफ द लाइट इज लेस देन एफ नॉट, यहां पर एफ इज एक्चुअली इक्वल टू एफ नॉट, और यहां पर जो रीजन है देयर एफ ऑफ द लाइट इज ग्रेटर देन एफ नॉट. तो इस रीजन में जरा आप देख लो तो वो फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है कि ये नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है. तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ये कि कोई इलेक्ट्रॉन सिरे से निकला ही नहीं है, और यही हम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स भी बता रहे थे कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एक खास फ्रीक्वेंसी से यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर मेटल से लेस होती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता. तो ये सेटिस्फाई कर गया. ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया आपके पास. अच्छा, दूसरी बात कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट जुमला लिखने वाला हूं. ईच फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक है जी, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पर राइट इसको मैं अगर साइड में करूं, ये मेरे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन राइट ई इज इक्वल टू एच एफ, जिस तरह से मैंने लिखा था एनर्जी ऑफ अ सिंगल पैकेट. तो अगर मैं यहां पर एक मेटल सरफेस ड्रॉ करूं राइट, ये आपके पास एक मेटल सरफेस हुआ राइट, ठीक हो जी, और इसके अंदर मौजूद ये लेटर सी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. इज इस क्लियर राइट, और इनको आजाद कराने वाले बंदे जो है ना वो ये आ रहे हैं सिंगल, ये एनर्जी पैकेट्स जो आपको नजर आ रहे हैं जिनकी एनर्जी या तो 1HF है या 2HF है या 3HF है, यानी कि क्वांटाइज्ड है ना. तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालने की जिम्मेदारी उठाएगा, याद रखिएगा. सो ईच फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ अ सिंगल फोटो इलेक्ट्रॉन. ये आपने साथ लिख लें राइट, ईच फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज अब तो मामला क्वांटाइज हो गया है ना, तो एक एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा. सो ईच फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और शुड आई से निकलने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन. ठीक है जी, बिकॉज लाइट की वजह से निकला ना. तो यहां पर जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो याद रखिएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस
फोटोन अपने आप को हर हालत में ख़त्म करके रखेगा, यानी कि फोटोन के पास जितनी भी जमा पूंजी होगी ना वो तमाम उस इलेक्ट्रॉन को देगा। कैसे देखते जाए जरा गौर से, जरा आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखिए। नाउ दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन उस मेटल से निकल जाए बस, ठीक है जी। तो लेट अस से फोटोन के पास है 10 रुपए, कितने 10 रुपए सादा अल्फाज में, राइट। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम रुपए चाहिए, मिनिमम खर्चा करना चाहिए फोटोन को, वो करना चाहिए कितना, वो भी 10 करना चाहिए। तो यानी कि फोटोन निकालने के पैसे तो सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालने के सॉरी अगर इससे पहले मैं फोटोन कह गया हूं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के पैसे तो फोटोन के पास है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल आएगा तो उसको एक्स्ट्रा मोशन के लिए देने के लिए कोई भी पैसे उसके पास नहीं बचते। तो फोटोन पूरा का पूरा कंगाल हो गया और उसको सिर्फ निकाल दिया, लेकिन अब उसे मोशन के पैसे देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचाता। सो ड्यूरिंग द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन ने अपने आप को घर करके रख देना है, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, लेकिन अगर मैं अब ऐसे कर लूं कि इसी मेटल के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 रुपए चाहिए थे, यानी कि जब मैं रुपए कहता हूं तो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर 10 रुपए चाहिए थे और मैं एक ऐसा फोटोन उसके ऊपर स्ट्राइक कर दूं जिसके पास 12 रुपए हो, कितने 12, तो 12 रुपए होने का सिंपल मतलब यह हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी लेकिन फोटोन के पास फिर भी 2 रुपए रह गए, तो वो 2 रुपए वो अपने साथ नहीं रखेगा। मैंने क्या कहा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोन ने अपने आप को बिल्कुल खत्म करना है, कंगाल करना है, तो वो 2 रुपए फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दे देने हैं कि जाओ भाई, राइट, कुछ मोशन कर लो भाई, थोड़ी सी सैर कर लो, ठीक है जी। तो सिंपल जी, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन की इलेक्ट्रॉन को असाइन हो जाएगी एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिएगा ये आपके पास सिचुएशन है। तो जब हम यहां पर बात करते हैं किस चीज की, इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी यहां पर अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशंस और क्वांटम मैकेनिक्स, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स। The greater the number of photons, the greater is the intensity of light. And the greater the number of photons, तो हर एक photon एक electron को निकालने की जिम्मेदारी उठाता है। तो simple बात है भाई, number of photons ज्यादा होंगे तो number of electrons, या I should say photo electrons क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मैं डायरेक्टली इधर कह सकता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मिगदार ज्यादा होगी। आयशब से अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी कि वो जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था उसमें दरमियान में सिर्फ ये चीज मैंने नहीं लिखी थी, बिकॉज मुझे तो ये चीज एक्सप्लेन करनी थी ना यहां पर। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या था कि जी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो दरमियान में क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बिकॉज हर एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा एक फोटोन की तरफ से और फोटोन ज्यादा होंगे, राइट, आफ्टर द व्हाट द सबमिशन और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कंडीशन। अगर फोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हुए तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई। सो दिस वॉज द थिंग। इसी के बाद ये वाला भी इसके साथ इस तरह लिख दो, उससे उधर मेरे पास जगह नहीं बन रही, ठीक है जी। तो यहां पर याद रखिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ताल्लुक डायरेक्टली नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ है। जब एक लाइट ज्यादा इंटेंस होती है तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स और फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट उधर से नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। तो ये एक्सप्लेनेशन ये भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है जी। अच्छा जी, अब फ्रीक्वेंसी का तो मैंने बता ही दिया यहां पर से डायरेक्टली, तो जब फ्रीक्वेंसी का बन गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसी मसला हल गया, यानी कि पूरे की पूरी रिजल्ट एक्सप्लेन हो गए हैं यूजिंग दिस आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो यानी कि बात क्या बनी, एंड रिजल्ट क्या बना, एंड रिजल्ट ये बना कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो कि हम यूज करते हैं और टेलीकॉम इंजीनियर्स एक्चुअली लाइट को डील करते हैं एज अ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट वर्क्स परफेक्टली फॉर फिनोमेनास लाइक इंटरफियरेंस, डाइफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, गुड, इट वर्क्स। तो जब काम करता है तो यार थोड़ा सा तो क्रेडिट इसको देना चाहिए ना, तो इट वर्क्स, जहां तक काम करता है वहां तक ही इस्तेमाल करो, बेहतरीन। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में ये काम नहीं करता, तो इसलिए हमें इसकी तरफ आना पड़ेगा, ठीक है जी। सो दैट्स द वे इट गोज बच्चे। आज का लेक्चर आई बिलीव काफी हद तक आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदे पामान।